मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर पर। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को जो लोग कभी कहा करते थे कि ये कभी क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाएगा, इस गेंदबाज का करियर तो अब खत्म हो चुका है। जितनी तेजी से यह गेंद फेंकता है उतनी तेजी से यह भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हो गया। लेकिन आज वही तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भारत की ढाल बनकर पल पल भारतीय टीम के साथ खड़ा है और उन सबको अपने प्रदर्शन से जवाब दे रहा है और सबको बता रहा है कि जसप्रीत बुमराह ने कभी हार मानी ही नहीं थी। वो बैकफुट पर गया जरूर था लेकिन वो लंबी रेस से पहले की तैयारी थी और अब तो इस मामले में प्रदर्शन के बाद खुद जसप्रीत बुमराह ने चुप्पी तोड़ी है और उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है जो उनके क्रिकेट करियर को खत्म बोल रहा था, जो जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम का बुझता दीपक बोल रहा था। लेकिन वो भूल गए थे ये दीपक मामूली दीपक नहीं है, ये एक बड़ा ज्वाला है जो भारत की ढाल है, जो भारत की शान है। ओडीआई वर्ल्ड कप हो या टी20 वर्ल्ड कप, हर तरफ बुमराह का जलवा देखने को मिल रहा है। 9 जून 2024 को टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ बुमराह ने अपनी गेंदबाजी से ऐसा कमाल किया कि पाकिस्तान जीता हुआ मैच हार गया। ऐसा लगा था ये मुकाबला पाकिस्तान के नाम होगा लेकिन जसप्रीत बुमराह पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ले आए। इस मुकाबले में 3 विकेट लेकर बुमराह जीत के हीरो यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। साथ ही जीत के बाद बुमराह का पहली बार अपने क्रिकेट करियर को लेकर दर्द भी छलका और उन्होंने खुलकर उस वक्त को लेकर बात कही जब वो इंजर्ड थे, चोट की वजह से वो क्रिकेट के पिच से बाहर चल रहे थे। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले तक लोग कह रहे थे कि मैं शायद फिर दोबारा नहीं खेल पाऊंगा, मेरा करियर अब खत्म हो गया है, लेकिन अब ये सवाल बदल गया है। साथ ही बुमराह ने अपने प्रदर्शन को लेकर कहा, मैं हर मैच में इस चीज पर ध्यान नहीं देता कि मैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं या फिर नहीं, बल्कि मैं मैच में हमेशा मौजूदा परेशानी का हल निकालने की कोशिश करता हूं। मैं जानता हूं कि ये घिसा पिटा जवाब है लेकिन मैं इसी पर फोकस करने की कोशिश करता हूँ कि सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, मैं शॉट लगाना कितना मुश्किल बना दूं और इसी तरह मैं प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूं कि और मुझे क्या कुछ करना है। आपको बता दें जसप्रीत बुमराह साल 2022 में इंजर्ड थे, उनके पीठ के निचले हिस्से में स्ट्रेस फ्रैक्चर था जिसकी उन्होंने सर्जरी भी करवाई थी, जिस वजह से उन्हें लंबे वक्त तक क्रिकेट के मैदान से दूर रहना पड़ा था। यहां तक कि चोट के चलते ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप 2022 का भी वो हिस्सा नहीं बन पाए थे। तब बुमराह की वापसी पर हर कोई सवाल उठाता था, ऐसा कहा जा रहा था कि अब बुमराह की वापसी नहीं हो पाएगी, उनका क्रिकेट करियर अब खत्म हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन सवालों के जवाब बुमराह ने न सिर्फ अपनी वापसी मात्र से दी बल्कि अपने प्रदर्शन यानी कि शानदार गेंदबाजी से भी दिया। बहरहाल आपका जसप्रीत बुमराह को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स आर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलें।